कैसे आप अपनी जिंदगी में कहीं भी और कभी भी हाई लेवल की पावर और इंटेलिजेंस ला सकते हैं। ये किताब आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप अपनी हॉबी को एक मास्टरपीस की तरह निखार सकते हैं। जिंदगी के हर क्षेत्र में मास्टरी हासिल कीजिए, दूसरों से हमेशा दो कदम आगे रहिए। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में। आज की बुक समरी है मास्टरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। आप इस समरी में डूब जाए इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अमेजिंग बुक समरी लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फाइंड योर इनर कॉलिंग एंड टैलेंट। सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा काम करके खुशी मिलती है और आप में कौन सा टैलेंट है। आजकल सब लोग दूसरों की देखा देखी काम करते हैं। स्टूडेंट्स अपना गोल भी दूसरों को देखकर बनाते हैं। अगर किसी रिलेटिव का बेटा नॉन मेडिकल सब्जेक्ट पर स्टडी कर रहा है तो वे भी वही रख लेंगे। अगर दूसरे NEG और GE की तैयारी कर रहे हैं तो वे भी उसके पीछे भागने लगेंगे। पेरेंट्स के दबाव में भी बच्चे ऐसा करते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनका मैथ्स या बायोलॉजी में इंटरेस्ट है भी या नहीं, लिहाजा आगे चलकर उनसे वे एंट्रेंस एग्जाम्स पास ही नहीं होते और फिर वे बोरिंग सी कॉलेज डिग्री में फंस जाते हैं। हो सकता है वे हिंदी पढ़ाते तो बहुत अच्छी कविता, कहानी या उपन्यास लिखते, या उनका इंटरेस्ट कुकिंग में हो तो बहुत अच्छे शेफ बनकर लाखों कमाते। तो इस तरह अगर किसी भी चीज का मास्टर बनना है तो वही चीज करें जिसका आप में टैलेंट हो और जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो। अगर आप दूसरों की देखा देखी कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और उसे करना ही छोड़ देंगे। इसके विपरीत अगर आप अपनी खुशी का काम करते हैं तो आप उसे सालों साल करते जाएंगे और इस तरह से आप उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे। चैप्टर 2, लर्निंग मैटर्स मोर देन शॉर्ट टर्म सक्सेसेस। बहुत से लोग जब कोई काम करते हैं तो उसमें तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं। अगर उन्हें जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वे उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। इस तरह वे जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। अगर आप आज अमरूद का पेड़ लगाते हो तो क्या 3 महीने में ही फल तोड़ने चले जाओगे? 1-2 साल तक तो उसकी ग्रोथ में ही लग जाते हैं। इसी तरह बिजनेस होता है, उसे ग्रो होने में आज की तारीख में 1 या 2 साल का वक्त लगता है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन एक बार जब अर्न करने लगता है तो सारी जिंदगी आपको देता रहेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म की सोचें, न कि शॉर्ट टर्म की। ऐसा करने से आपको हर चीज में सक्सेस मिलेगी। चैप्टर 3, फाइंड अ मेंटर। सक्सेस पाने के लिए लाइफ में एक मेंटर होना ही चाहिए। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा कोच रखते हैं। कोच उनसे अच्छा खिलाड़ी नहीं होता है, लेकिन वह उनमें एक डिसिप्लिन डाल देता है। उन्हें रोज एक निश्चित समय में ग्राउंड में बुलाता है, वहां निश्चित टाइम के लिए उन्हें प्रैक्टिस करवाता है। ऐसा सालों साल चलता रहता है। इससे एक नियम बन जाता है और वे प्लेयर्स अपने स्पोर्ट्स में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको मेंटर की जरूरत पड़ती है। बहुत बार आपके टीचर्स भी आपके मेंटर्स बन जाते हैं। मेंटर का महत्व समझने के लिए ऑथर ने अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल दिया है। अलेक्जेंडर के मेंटर का नाम एरिस्टोटल था, जो एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जिनसे अलेक्जेंडर के अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ सका। उसे ज्योग्राफी का ज्ञान दिया, युद्ध कला सिखाई, अच्छे शासक की फिलॉसफी बताई और इस तरह अलेक्जेंडर ने बहुत कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। इसलिए आप भी लाइफ में कोई अच्छा मेंटर ढूंढने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 4, थिंक इनोवेटिव वेज टू लीव लाइफ। कभी आपने सोचा है आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं? समाज ने कुछ रूल्स बना दिए हैं और हम आंख बंद करके उनको फॉलो किए जा रहे हैं, जैसे पैदा होने के बाद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्टडी करो, पढ़ाई करके एक जॉब लो, फिर शादी करो और बच्चे पैदा करो और एक दिन दुनिया को बाय बाय करके चले जाओ। क्या जिंदगी इसी को बोलते हैं? ऑथर कहता है कि हमें ऐसे घिसे पिटे रूल्स से नहीं बंधना चाहिए, हमेशा जीने के नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट को देखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। टैलेंट का मतलब सिर्फ
पेंटिंग, राइटिंग, पोएट्री, सिंगिंग आदि ही नहीं है। आपने देखा होगा आजकल कितने लोग चाय की फ्रेंचाइज लगाकर ही इतने अमीर हो गए हैं। उन्होंने असली फ्रीडम हासिल कर ली है, मिडिल क्लास लाइफ से भी और टाइम से भी। उन्हें 9 से 5 बजे वाली जॉब की जरूरत नहीं है। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब चाहें जहां चाहे काम कर सकते हैं। इसलिए आप भी किसी नए आइडिया पर काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप आज ही सफल हो जाएं, बल्कि 40-50 की उम्र में भी अगर कुछ नया कर सको तो अच्छा है। कुछ भी नया करने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में नई हॉबी शुरू कर सकते हैं, जैसे गिटार सीखना, घुड़सवारी, स्विमिंग सीखना आदि। छोटी से छोटी इनोवेशन भी आपकी जिंदगी को नया मीनिंग दे देगी। इसलिए इस पर जरूर विचार करें। चैप्टर 5, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर। बच्चों का दिमाग काफी एक्टिव होता है। वे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन क्वेश्चंस से तंग आकर उनका जवाब नहीं देते। वरना बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। साथ ही बच्चों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वे हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें कोई खिलौना दीजिए और वे उसे TOD फोड़ कर यह देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या है, वो काम कैसे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी के रूल्स पर चलने लगते हैं। हम किसी भी चीज के बारे में जानना छोड़ देते हैं। हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। जैसे कोई आदमी एक बोरिंग जॉब कर रहा है तो वो उसे करता ही चला जाएगा। बेशक उसमें एक्टिंग का टैलेंट हो तो भी वो ज्यादा ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये रिस्की लगता है। लेकिन बिना रिस्क लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसीलिए बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और सवाल पूछते रहिए, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से। एक ना एक दिन उनके उत्तर मिल ही जाएंगे। चैप्टर 6, ट्रेन योर माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है अगर आप ठीक से सोचेंगे तो। बहुत से लोगों ने कोविड क्राइसिस में जॉब खो दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे में नए नए स्टार्टअप्स भी लगा दी थी। एक LDHK ने बिना एक भी पोस्ट लिखे ब्लॉग लगा दिया था। सबसे पहले उसने बैंक से 2 लाख का लोन लिया, जिससे उसने डोमेन और होस्टिंग खरीद ली। फिर फाइवर से एक कंटेंट राइटर को हायर करके ब्लॉग पोस्ट्स लिखवाई। फिर एक्सपर्ट से SEO भी करवाया। एक ही साल में उसका ब्लॉग 2 लाख पर मंथ कमाने लगा। उसने अपना लोन भी चुका दिया और अब अच्छी खासी इनकम होती है। तो यह एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए जितना हो सके अच्छी सेल्फ हेल्प की बुक्स रीड करें। जब हम बुक रीड करते हैं तो हमारा दिमाग सोचने लगता है, और ये थिंकिंग ही दिमाग को ट्रेन करती है, उसे मजबूत बनाती है। इसलिए रोजाना एक सेल्फ हेल्प बुक रीड करें, या फिर आप बुक समरी सुन की आदत डालिए। इसमें 10 मिनट ही लगते हैं। चैप्टर 7, टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कुछ लोग उनका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, दूसरे चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऑथर कहता है कि हमें कभी भी इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए। ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमें इन 3 एरियाज से आती हैं। 1, वर्कप्लेस प्रॉब्लम्स, जैसे आपके कॉलीग्स से झगड़ा रहना। 2, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जैसे रिलेटिव्स के साथ कुछ लड़ाई होना या पार्टनर से न बनना। 3, पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कोई बीमारी या आर्थिक प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक प्रभावी तकनीक दी गई है। 1, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एक कागज पर लिखिए। 2, फिर उसके जितने भी सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आते हैं उन्हें लिख लीजिए। 3, अब देखिए किन सॉल्यूशंस में आप इमोशनल हो रहे हैं या गुस्से में लिखे गए हैं, उन्हें काट दीजिए। 4, जो सॉल्यूशंस बच जाते हैं उनमें बेस्ट कौन सा है। 5, अब बेस्ट सॉल्यूशंस को लेकर एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मान लेते हैं, आपका किसी कॉलीग से झगड़ा हो गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपका लगातार उसके बारे में सोचते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है।
इससे आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा, न ही बदला लेना कोई सोल्यूशन है। ये एक इमोशनल और गलत डिसीजन होगा। इसके बजाय अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोल दें। अगर दूसरे की गलती है तो उससे लॉजिकल बात करें, जैसे इससे मुझे काफी हर्ट हुआ। हमें वर्क प्लेस पर लाइफ बितानी है तो क्या इस तरह का माहौल होना चाहिए? बात करने से काफी हद तक दोनों की टेंशन खत्म होगी और अंत में एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश करें। इससे आपकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस बनी रहेगी। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ।